बताओ आसक्ति के भेदों के नाम, पांच छह है इसमें, छह कोई भी दो तीन बता दो। ग्रहित कि गर्हित, ग्रहित और गर्हित में अंतर, गर्हित और विद्यमान वस्तु का निषेध करना और सद्भाव के दो तीन हो गए, और निंद अपनी वचन सामर्थ्य संयुक्त वचन ये सब असत्य वचन के भेद। वैसे तो असत्य बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गृहस्थ जो है सारे असत्य का त्याग नहीं कर सकता। तो कितने असत्य का त्याग करता है, कैसे झूठ का त्यागी होता है, कौन सा वाला झूठ नहीं बोलता, कौन सा दुख पहुंचे जिससे किसी के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, उसके आजीविका छिन जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता। किसी की झूठी गवाही नहीं दे देगा, झूठा लेख नहीं लिखेगा, किसी की आजीविका आदि कोई बड़ा संकट बंधन में पड़ जाए, किसी के कोई प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा झूठ नहीं बोला। और सारे झूठ के त्यागी कौन होते हैं, महर्षि मुनिराज, वो रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते। अप्रिय वचन कठोर वचन ये सब काय की श्रेणी में आते हैं, असत्य की श्रेणी में। क्यों है ये असत्य की श्रेणी, असत्य की श्रेणी में क्यों, क्यों आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है लेकिन सच्ची है तो वो असत्य है। कठोर वचन अप्रिय वचन असत्य कैसे है, दूसरे को अच्छा लगे नहीं लगे उससे क्या, सत्य तो है, असत्य कैसे हो है? मैंने बताया नहीं वैसे इसका उत्तर है। असत्य कैसे है, अपनी कठोर वचन पर निंदा के वचन असत्य कैसे, ये अपने दिमाग से उत्तर देना है, ये मैंने बताया नहीं, थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में बहुत पहले, बताओ अपने सोच के मन से कुछ भी दिमाग लगा बताओ, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ, कोई नहीं। पर निंदा गाली चुगली कठोर अप्रिय ये सब असत्य की श्रेणी में क्या आते हैं, सत्य है ना, तो सत्य भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय लगे कठोर लगे निंदा वाला हो, तो वो असत्य क्यों है, असत्य इसलिए है क्योंकि किसी जीव को उससे पीड़ा पहुंचती है। और मूल पाप तो अपन ने बताया था एक ही है, हिंसा, तो और ये सब तो हिंसा के ही भेद है, तो उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई, पर जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंची कि नहीं पहुंची, जब हमने किसी को कठोर वचन कहा गाली दी बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत बुरा लगा, बुरा लगा, चुगली करी बुरा लगा, अपनी कठोर ये सब क्या है, इसलिए चूंकि दूसरे जीव को ये दुखी करते हैं इसलिए हिंसा है, और हिंसा भी असत्य है, असत्य जो है वो हिंसा का ही भेद है। या यूं कहें कि हिंसा के भेद को समझाने के लिए हमने असत्य चोरी ऐसे भेद किए हैं, तो ये असत्य ये सब चूंकि कठोर वचन अपनी वचन ये सब पर जीवों को पीड़ा कारक होने से हिंसा की श्रेणी में आते हैं, और हिंसा भी असत्य का ही एक असत्य जो है हिंसा का ही एक भेद होने से ये सब असत्य कहे जाते हैं। जिस जिस में हिंसा होती है वह असत्य, दूसरे की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही इसमें असत्य। असत्य का त्याग करने के लिए जीव को पांच चीजें करनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं अपने को आज क्या क्या पांच टाइम हो गया ना, हाँ पढ़ सकते हैं आगे। देखो सत्य व्रत की भावनाएं निकालो पेज नंबर चार। सत्य व्रत का पालन करने के लिए पांच भावनाओं का पालन करना आवश्यक है।
पेज नंबर 4 5 पाप वाला नोट्स, जो लोग नहीं आए पहले तो वो ले दे नोट्स, जो घर पे रख के आए वो भी ले दे, ले लो उनसे ले लो, सबके हाथ में नोट्स होने चाहिए। तो सत्य बोलने के लिए 5 चीजें जरूरी है। कौन कौन सी 5 चीजें? तो 4 चीजों का त्याग जरूरी है और 1 चीज का ग्रहण करना जरूरी है। कितनी चीजों का त्याग करना चाहिए? 4 और 1 का ग्रहण। किन 4 चीजों का त्याग करना अनिवार्य है? तो हिंसा का नहीं, हिंसा का नहीं, क्रोध का, लोभ का, हास्य का और भय का, ये 4 चीजों का त्याग सत्य बोलने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन 4 के वशीभूत होकर जीव सत्य नहीं बोल सकता। गुस्सा आ रहा होता है तो गुस्से में अपने आप झूठ कहने में आ जाता है। गुस्से में आदमी अपने में नहीं रहता, आपे में नहीं रहता, कुछ भी बोलने लगता है, अपनी भी बोलने लगता है, कठोर भी बोलने लगता है, और जो सत्य नहीं है वो भी बोलने लगता है। तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे हाथ पाओ तो तोड़ दूंगा, मार डालूंगा, मेरे सामने दिखना चाहिए, आज से अपन दोनों में कोई संबंध नहीं है, सब बोल दिया। नहीं, वो सत्य है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रोध के अंदर असत्य के वचन बोल ही रहता है, इसलिए क्रोध का वश होना सत्य बोलने के लिए अनिवार्य है। क्रोधी कभी सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि क्रोध के आवेश में उसको विचार नहीं रहता, गुस्से के आवेश में कुछ होश नहीं रहता, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये विचार कब तक रहता है? जब तक गुस्सा नहीं आ रहा। अभी शांति से हैं तो सब प्रेम से ही बोलेंगे। सच्ची में किसकी वाणी में सत्यता रह सकती है कि जिस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता? अभी तो आपस में अपन मिलेंगे, प्यार से बातें करेंगे ना सब लोग। अभी किसी की कोई चीज़ कम पड़ जाए, समझ लो कुछ भी चीज़, कोई चौकी न्याटी हो जाए किसी को, जहाँ बैठता है वहाँ नहीं बैठने को मिले क्या? अपने यहाँ तो बहुत सज्जन लोग हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि जरा सी प्रतिकूलता आती है तब पता चलता है कि आदमी की वाणी में कितनी सत्यता है। ऐसे तो सभी सत्य धर्म के धनी हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं में उसकी सत्यता की परीक्षा होती है। इसलिए क्रोध का त्याग होना जरूरी। दूसरा, लोभ का त्याग। लालच खूब हो आदमी को तो वो आदमी चाह के भी सच नहीं बोल सकता, लालच बोलने नहीं देता। क्या कहते, धन का लालच इतना है, सत्य नहीं बोलता, घुमा फिरा के खुद उसके परिवार वालों को समझ नहीं आई क्या चाहते, तो वो लोभी व्यक्ति जो है असत्य भाषण किया करे। खरीदना हो तो बोले मेरे को बेचना है, बेचना हो तो बोले खरीदना है। कोई ग्राहक दिखे नहीं अगर भाव के भाव दे रहे तेरे को, और लेना हो तो भैया मुनाफा खा के ले रहे तेरे से। मतलब लोभ व्यक्ति को, आदमी लोभ जीव को सत्य नहीं बोलने देता, उसका लालच इतना हावी है कि वो नहीं बोल सकता। लालच कम होगा तो ही आदमी में इतनी हिम्मत होगी कि वो सत्य बोल सके। इसके लिए बस हिम्मत का काम चाहिए, सामान्य चीजें थोड़ी नहीं है। समझने के लिए सरल है और करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ की चीज है। ऐसे हंसी मजाक की आदत हो, खूब हंसी मजाक तो बात बात पे झूठ बोले बिना रहते ही, हंसी मजाक में तो झूठ ही होता है साथ। हंसी मजाक होती तब है जब झूठ बोला जाता है, सच में हंसी मजाक कैसे होएगी? तो इसलिए हास्य के वशीभूत होकर भी जीव सत्य नहीं बोल सकता। और भय लगाओ किसी चीज का, किसी बात का भय हो, कोई आदमी बंधु बढ़ा दे मेरे खिलाफ, गवाही नहीं देना, झूठी बात बोलनी पड़ेगी तुमको, तो मैं तुम्हारे परिवार से तुमको मार डालूंगा, तो आदमी को झूठी गवाही देनी पड़ेगी। किसी का भय होता अपने को ये अपना वीर बुरा नहीं कर देंगे, ये बिगाड़ नहीं कर दे कुछ, इनसे पंगा मत मोल लो, ये पता नहीं कब क्या वीर निकाल ले, तो आदमी असत्य बोलने के ऊपर बाध्य हो जाता है। इसलिए भय का त्याग होना भी जरूरी है। निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोलने में समर्थ हो सकता है, जिसको किसी का भय नहीं है।
सामने वाले व्यक्ति को उसके हित की बात कौन बता सकता है जिसको सामने वाले का भय नहीं हो। यदि सामने वाले का भय हो, उससे कुछ लोभ हो, तो वो सत्य नहीं बोल सकता क्या? क्योंकि सामने वाले के कोई अपराध भी हो और यदि उसको सच सच बता दिया जाए कि तेरे ये अपराध है, तेरी ये गलती है और ये गलती से तुझे ही आगामी काल में दुख होगा, तो ये बोलने के लिए आदमी को एक तो सामने वाले के प्रति सामने वाले से भय नहीं होना चाहिए, दूसरी बात कि सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं हो। आज क्या स्थिति है, लोग जो है सच सलामी देते, सब एक दूसरे की